राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं, 4 से भी ऊपर ही टाइम हो चुका था। तो खाना खाने के बाद अमित और रितु बच्चे तो लेट गए थे, मतलब सो गए थे, और मैं लगी थी अपना एडिटिंग का काम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुँचानी थी। और उसके बाद बस फिर वीडियो की एडिटिंग अपलोड इसमें सारा टाइम लग जाता है, और बस थोड़ी देर फिर बैठी रही, फ़ोन देखती रही, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं सो गई तो फिर रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो फिर 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आती, चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मतलब सारी रात बस ऐसे ही चली जाएगी। और ये घर तो फिर मेरे लिए बिल्कुल ही नया था इसलिए भी। तो अब उठे हैं और अब रितु बना रही है पानी, क्योंकि अमित दुकान पर भी लेकर के जाएगा और हम भी पी लेंगे। हम लोग कर दी थी इकट्ठे करके आऊँ है, अभी पे धूप हो रही है, हमने क्या करेगी फिर खा लिए है। देखो भाई अलग अलग काम ना मेड़ दे, मैं सोचू फुर्सत में बैठ के फिर अपना वो करांगे, गला ही कर दे है काम है। हाँ बर्डन ने क्या है, मैं शाह कशा नहीं घेरेगी बता बर्डन क्या का पड़ेगा। ठीक भाई देख लो और जो तू काम करे गिर में भीतर बैठे रही, मेरा तो व्लॉग बन लिया है। और ज्यादा तो कोई मैं शाम ने फिर सारा इकट्ठा ही कर लेंगे, अलग व्लॉग बना लेंगे शाम ने भी तेरा होगा। शाम ने के अच्छा दूध काटेगी, मैशियां कशियां नहीं घेरेगी, गोबर घेर के आवेगी, पैथ के आवेगी, बहुत काम है इसने। तुमने के बेरा तबे तो बैठ दी को नहीं, साथ साथ काम कर दे। तो कितनी तेज धूप है, मैंने तो आज बेरा पटाया है, गर्मी भी हो रही है। बाहर आज निकली हूँ मैं, नहीं तो जब मैं नीचे भी कदे कदे जाऊँ। और वही कई दिन मैं घर से बाहर निकली हूँ, मतलब आज महसूस होया है कि सच में ये गर्मी आ रही है, नहीं तो ना कई बार मैंने कोई पूछा नहीं, फोन आ दी गर्मी किसी का वहां पर, मैं भाई बस ठीक है ठाक है आज मेरा बेटा ठीक ठाक को नहीं, सही जबरदस्त हो रही है। और कल की वीडियो पे ना 4-5 बेबियों के तो कमेंट आ रहे हैं इसे कि दीदी बहुत अच्छा लगा ये, तो मतलब सब नहीं कर रखे। और मैंने पता भी था इस चीज़ का कि भाई आप लोग ना मेरे तो ज़्यादा खुश हो गए या चीज़ देख के। और ये कमेंट भी आ रहे हैं 4-5 के कि बेबे मतलब मारे दिन कद आवेंगे ये, हम भी बहुत बाट देखा, क्योंकि मारा भी मम्मी नहीं है, भाई की शादी नहीं हुई है, तो बहुत जी दुखी हो है मायके जावा हाँ। तो बेबे हौसला रखो, वही बात है, ये तो डर दी फिर दी छा है कि पता किस में पड़ जाए अगर, और आपके भी दिन जरूर आवेंगे है ना। और भगवान तभी हम तो सारे मिल के प्रेयर करा हाँ कि आपका भी ये जो दिन है वो जरूर आवे, आपकी भाभी आवे अच्छी आवे, और आपने आपका जो घर है वो खुला मिला है, जाओ चाह पानी टाइम पे, वरना मैं समझ सकूँ भी जाके चाह पानी बना के पीना फिर साफ सफाई करनी बहुत मुश्किल काम है। शोर तो अच्छा रहा है नहीं बाहर, तो मोड़ो वो शोर करने खातर बैठी नहीं, कोई बस कोई ट्रैक्टर कोई किमे कोई किमे टी 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 हो रहा है, रू भी सड़क होगी, सड़क पर तो साधन आंदे जाते रहो, अब ना आदत को नहीं शोर की, चू चुप रहा है मारे जात लगा जी। सही है, शोर भी सुनना चाहिए ना शोर का क्या सुनना है आज अपना आप चाह बना के पीऊंगा, मतलब भी दे दोगे के? आहो अरे तो नुका रही है, नुका दीदी मेरी ये बनाई पिया करे रोज, राज नु करना मैं तो आप बना के पीऊंगा सुतरी मका जी बेटी ने देख के नहीं तो नहीं फोर गए बहुत और हिम्मत को नहीं होती, यो फर्क होगा बहुत बेटी में देख ले, फिर कहूँ यो फर्क होगा बहुत बेटी में देख ले आज से और दिन दे ओड़ी पियो ते आज नुका मैं तो आप पे बना के पीऊंगा, दो बार पी ली फिर बाबू ये तो पानी पिया है ठंडा नींबू पानी बचा नहीं पिया कर दे, आहो नुका के टाइम होगा चाह का ए बेबे। तो इस टाइम पे 6:30 हो गए हैं और रितु निकाल रही है झाड़ू, और भैया मजाक कर रहे थे क्योंकि ना पिता नहीं पापा के मनवाई नुका आज तो मैं ना चाय बना के पीऊँगा, मैं खाली आम बना देंगे नुका ना,
अपनी मर्जी तो बना के पीऊँगा टेम सर की मेरा हिसाब था। मैं कहा चलो ठीक है बढ़िया है। अरे तो कह रही कह दीदी कितने दिन हो गए कह मैं ये बना के देऊँ मेरी ये बनाई पीऊँ है और देख लो आज। मैं कहा भाई होया ही कर है आज इनके नो हो गया। हालांकि इसी बात नहीं है भाई मतलब इन तो जैसे कुछ काम हो बोलें भी हैं और भी नू को नहीं भाई मतलब बोल दे को नहीं इस करके हैं बतलावे भी हैं कि मैं बात पूछनी हो पूछ ले हैं। उन्होंने कहती दीदी मैं एक बार स्टार्ट कर दिया करूँ पापा ने भैया बात कुकर फिर बताएं जाए अगर तो। मैं कहा चलो ठीक है और बस वे मन में आ गई होगी तो इस करके यार रितु कह रही थी उनका दीदी इसी बात पर कमेंट भी आ जाएंगे दो तीन नेगेटिव तो जरूर क्योंकि कुछ लोग तो बाट देखे जाया करें कि भाई फिर बहू सेवा को नहीं कर दी होगी मेरे पे उंगली उठेगी। मैं कहा कह दो कोई बात नहीं नेगेटिव कमेंट बहुत जरूरी है ना तो सारी चीज़ें साथ साथ में चलनी चाहिए। तो ई बस रितु तो झाड़ू निकालने लग रही है और मैं चली गई थी अपनी झाड़ पड़वान क्योंकि चार पाँच दिन हो गए इतना तेज़ दर्द हो रहा है झाड़ में मतलब बिल्कुल वह खत्म ऐसी हो रही थी लेकिन दुखे को नहीं थी कदे भी। तो उस दिन हम तो आने गए उस दिन बस जल्दबाजी में भूल गए टाइम भी कौन था और फिर मखा चल फिर दोबारा आऊँगी दोबारा जाने का फिर टाइम को नहीं लग गया। तो फिर हमें इतना मखा भाई आज मेरी झाड़ पड़वा के लाइए फिर बोला मैं पड़वा के आया था आड़े डॉक्टर हैं और ठीक पाड़ा है क्योंकि ना चार पाँच दिन हो गए रात का एक एक बज जाए हर रोज़ गोली लेऊँगी फिर पाँच दस मिनट आराम होगा फिर दुखन लग जाएगी फिर गोली लेऊँगी फिर पाँच दस मिनट फिर आराम होगा फिर मतलब तीन तीन चार चार गोली ये इकट्ठी लेनी इतनी भी ठीक को नहीं होती। तो फिर उस करके मैं कहा यो इसका इलाज कुछ और तो है नहीं भाई हाँ उससे ठीक हो जाएगी तो आखिरी में पड़वानी है तो इससे अच्छा है भाई क्यों भीतर में इतना जहर गिरया इसने अपने पहले ही पड़वा दिया। तो इस करके मैं झाड़ पड़वाने जा रही थी जय हमारे साथ जा रहा था क्योंकि वो सुत्या था और मैंने निकलन का टाइम था और उसका उठन का टाइम था। तो फिर वो कई देर तक तो मना को नहीं तो अमित बोला यो लेट कर देगा साढ़े छः तो आड़े हो रहे हैं इसने आप अपने साथ में ले चलना और आड़े आराध्या लाग रही थी अपना स्कूल का काम कर रही अपनी मामे की क्लिप निकालन लाग रही है। तो बस सिबरी तू झाड़ू निकाल देगी और उसके बाद फिर अपना जो भी काम इसका है वो कर लेगी। और भाई कई कमेंट ये भी आ रहे हैं कहाँ पे लिया है अमित ने घर ये वो मतलब कई चीज़ पूछी हैं। तो भाई देखो सारी तो मैं वीडियो में नहीं बता सकती लेकिन हाँ आप व्लॉग देखोगे ना तो चार पाँच दिन में आपका सारी जो चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी भाई घर कहाँ पे लिया है मामा के गांव तो दूर लिया है या वहाँ पे लिया है मतलब वो जो सारी चीज़ें हैं आप व्लॉग देखते रहो व्लॉग में आपने सारी जो चीज़ें हैं वो टाइम टाइम पर पता चल दे रहेंगी। तो ये दो चार बर्तन थे क्योंकि पापा ने चाय बना के पी थी बाकी तो सारे कर दिए थे रितु ने तो मैं भी साफ़ कर दिए हैं। और हम आ गए हैं वहाँ तक झाड़ पड़वा के तो बच्चे दुकान पर जाने खातर तैयार हो रहे थे क्योंकि दोपहर में कह रहे थे तो फिर हम इतना गई थी भी मैं शाम के टाइम पर लेके जाऊँगा। और रितु ने कूलर में पानी डाल दिया है और नाई है भैया क्योंकि इसने दिया लगाना था तो ना के ईब अपना आड़ा लाग रही है पूजा करण मैंने बेरा भी कौन था मैं बाहर आंगन में बैठी थी लेकिन इसका फ़ोन बज रहा था फिर मैं सोचू थी मैं रितु फ़ोन क्यों नहीं उठा रही तो देखा तो मखा भैया तो पूजा पाठ में लाग रही है। बाकी अच्छी बात है भाई देखो जिस पर बना है मेरे तो बस की बात है नहीं मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता ये काम। तो एक तो अपने मतलब टाइम पर दवाई लेनी या फिर जैसे मेरे चेहरे पर एलर्जी की शिकायत हो रही है स्किन ख़राब हो रही है तो उस खातर कहें जा मैंने यह चीज़ें लगा ले वह लगा ले वहाँ डॉक्टर ने दवाई दी थी चार पाँच महीने पहले वह ट्यूब भी नुए की नू पड़ी है और एक पूजा पाठ करना ये दो काम तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ बाकी और कर लूँगी जो भी करना है। तो इब यहाँ पर रितु लाग रही है आम का जूस बनाने क्योंकि अमित आ गया था भाई दुकान पे कोई आ रहा होगा कि चार पांच जो गिलास है वो जूस के बना दो और काम यूं ही होता रहा भाई पानी बना दो चाय बना दो इब ये कर दो वो कर दो क्योंकि दुकान में भाई कोई ना कोई आंदा रहा है तो फिर घर नज़दीक कोई पीछे नुए हुआ है भाई चलो घर तय आज के लिए वहाँ। और ईब आड़ा जो शिमला मिर्च है मैं वो काटन लाग रही हूँ प्याज मैंने काट दिए हैं और रितु फिर बनावेगी सब्जी। और मखा बेटा मेरा मुंह ना दिखाइए क्योंकि ना मुंह पर सोजन सी आ रही थी आ तो अंदर रही थी लेकिन मैंने नू लग रहा था भाई जैसे बाहर भी आ रही हो और भाई बहुत अजीब सा लग रहा था मतलब झाड़ पड़वा के क्योंकि बिल्कुल रात न जाके जो सुन है मड़ी बहुत वो उतरी है और ना बोलिया जावा था। और बस इसी करके आज के वो लोग मैं कम हूँ रितु ज़्यादा है क्योंकि सारी जो क्लिप है वो उसे की निकल रही है बस हमारी तो यहाँ पर मैं बैठी थी और एक फिर रात के टाइम की बनाई थी थोड़ी सी क्योंकि एक तो मुंह भी अजीब सा हो रहा था और फिर ना कुछ बोला जा रहा था नहीं और नहीं फिर मैं कहा चलो कल ना अपना मिल के बोल के अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट करांगे आज तो ऐसे ही कर दें तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी और फिर अपने जो वॉइस ओवर है वो कर दूंगी। तो यहाँ पे जूस पी रही थी ना वो भी एक साइड से तो मतलब वो भी नहीं जा रहा था ऐसे ही खाना खाते टाइम पर होया ना कोई टेस्ट आया था किसी भी चीज़ का और जो मैं दक गया था मतलब नू गुटकनी पड़े थी कोई भी चीज़ तो मैं भी रही तो नुए कह रही थी मैं कहा जूस मेरे पर पिया नहीं जाता
और यहाँ पे इनकी बहन भाइयों की हो रही है मौज, क्योंकि फ़ोन मिल रहा है, आए हैं उस टाइम का दोनों के दोनों ने। और आराध्या पर भी मुश्किल, दोपहर में भी बेटा मैं थक हार के आ रही है, आंधी ने फ़ोन लिया था, मुश्किल सुवाई थी बोल के गुस्सा करके। और ईब अपना इसने उठ के काम कराया है जब मैं झाड़ पड़वान जा रही थी, और ईब अपना लड्डू ने ले बैठी है। और कमेंट आ रहे थे भाई आपने लड्डू की सेवा ले रखी है कि हमने भी लड्डू लेना है, बताइए थोड़ा डिटेल में। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है मतलब भाई लड्डू की सेवा वाला, क्योंकि आराध्या का मन था, काफ़ी दिन होता मेरे तो बोल रही थी मम्मी प्लीज़ एक लड्डू ले आके दे दो, लड्डू ले आके दे दो। लेकिन मेरे नु है भाई, क्योंकि हमारे पे ये चीज़ नहीं हम कदे भी कर सकते, मतलब भाई यहाँ पूरे तौर तरीके तय पूरा उस तय कहीं ना कहीं कमी रह जावे हम। लेकिन यो गिफ्ट में मिल गया था भाई, हमारी एक सब्सक्राइबर थी उसने दिया था आराध्या के नाम पर बर्थडे पर गिफ्ट, उस टाइम पर तो पूछा नहीं पाई थी तो बाद में आया था यूँ। तो फिर मैं कहा चलो भाई जब आए गए हैं तो फिर ठीक है। और इफ भी मैं कई बार कह दूँ कि बेटा जैसे कई बार कुछ दिक्कत रह जावे, कमी समी रह जावे, तो उसमें मेरा थोड़ा सा मन दुखी हो जावे है कि भाई हो तो सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हो या फिर ना हो ही ना। और मैं कह भी दूँ कि बेटा मैं फिर ये लड्डू दे दूँगी किसी को और ये वो, तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो बस ये आराध्या का मन है तो, और भाई बच्ची का मन था चलो आ गया था लड्डू, तो अम्मार पे जिसी भी बन पा रही है सेवा कर रहे हैं। राम राम जी, कैसे आप सभी, आप सभी का अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी, और उसमें मैंने दलिया रख दिया है मेरी दीदी को झाड़ पड़वाई है बेशकी दीदी ने झाड़ पड़वाई है, बोलने भी नहीं जाता तो या सोई उतरेगी नहीं जब बोलना जाओ, इतना बोल बोलना जाओ मैं रह जा सब। इसलिए हल्का खाना खाना है मेरी दीदी को, तो मैंने दलिया बनाने के लिए रख दिया। आ जाओ सारे खा लो दलिया, मीठा दलिया बना रहे हैं। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया है और बर्तन हो रहे थे ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो साफ़ करवा दूँ। तो मैं और रितु लाग रहे हैं बर्तन साफ़ करन, और बस उसके बाद बैठे रहे बातचीत करते रहे, और इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो कल से फिर एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी सुबह से। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पर एंड। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताना, मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और भाई बहुत अलग अलग तरह के व्लॉग देखने को मिलेंगे अब आप लोगों को कई दिन अलग अलग जगह के, तो ठीक है इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।